इस रक्षाबंधन में मैं समस्त हायाघाट विधानसभा वासियों एवं समस्त मिथिला वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लाइए धीरे धीरे, एक बार है, नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां पर चार अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हो गई है और चार अपराध कर्मी हायाघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों अपराधी समस्तीपुर जिला के बताए जा रहे हैं। कल्याणपुर थाना के कोयला कुंड के रहने वाले चारों अपराधी, जो काफी अच्छे परिवार से बताए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ नशा करते थे और नशा करने के लिए ये कहीं ना कहीं लूटपाट करते थे। और समझ सकते हैं कि किस तरह से युवा नशीला पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और नशा के कतरफ जा रहे हैं। समाज के लोगों को इसके ऊपर गहन सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं जो NGO इस तरफ काम करते हैं उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए। और जो लोग बड़े बड़े भाषण करते हैं, जो लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, उन लोगों को आगे आकर ये कम से कम देखना चाहिए कि युवाओं को ऐसा काम दिया जाए या युवाओं को संभाला जाए। नहीं तो युवा हमारा बर्बाद हो जाएगा। युवा पीढ़ी अगर बर्बाद हो गया तो हमारा देश कैसे बचेगा, हम कैसे विकसित होंगे, कैसे हमारा देश या प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच CTSP सागर झा ने बड़ा खुलासा किया है। खासकर कल के दिन ये खुलासा होने वाला था, लेकिन सदर DSP अमित कुमार ने यहाँ पर निरीक्षण किया है, चारों लोगों से पूछताछ किया है और उसके बाद आज आपको बता दें रक्षाबंधन के दिन ये चारों अपराधी के हाथ पर कलाई पर आप देख सकते हैं राखी बंधा हुआ है। चारों की बहनों ने राखी बांधा है, अच्छे परिवार से बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इन लोगों की करतूत ने खासकर इनके परिवार के लोगों को शर्मसार तो कर ही दिया, लेकिन पूरे हायाघाट क्षेत्र को और पूरे समस्तीपुर क्षेत्र को शर्मसार कर दिया है। खासकर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और उनके साथ यहाँ हरिशंकर हरिजन जो SI हैं हायाघाट थाना के, और जे SI जो जीता कुमारी हैं उसके साथ ही, आपको बता दें कि PTC सुधीर कुमार, इन सभी लोगों ने जैसे ही आवेदन मिला सफल ऑपरेशन करते हुए दरभंगा हायाघाट के एक होटल से खाना खाते हुए इन चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों अपराधी के गिरफ्तार होते ही लोगों से पूछताछ की गई है रात भर। इसके बाद हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने इन चारों अपराधियों को सब जेल में भेज दिया है। बता दें कि यहाँ गिरफ्तारी की बात करें तो बलवंत कुमार पिता रणधीर कुमार सिंह, दूसरा जो यहाँ पर अपराधी है सौरभ कुमार सिंह पिता शैलेंद्र सिंह, तीसरा अपराधी अभिषेक कुमार सिंह पिता ललन सिंह सुजीत कुमार सिंह, चौथा अपराधी है गोलू पिता राघवेंद्र कुमार सिंह, खासकर कोयला कुंड के रहने वाले हैं और थाना इनका कल्याणपुर है, समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर रक्षाबंधन के दिन चारों जो अपराधी हैं वो जेल भेजे जा चुके हैं। खासकर हायाघाट थाना कांड संख्या 130/23 धारा 392 लगाया गया है। हायाघाट थाना 131/23 और दिनांक 30/23 को ये लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो आवेदन दिया गया है, यहाँ पर पश्चिमी बिलासपुर के कटानी के पास इनके साथ छीन छान लूटपाट हुई थी। आइए पूरा कवरेज दिखाते हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं CTSP सागर झा ने क्या कहा है। लेकिन बहुत ही बड़ा सफल ऑपरेशन कहीं ना कहीं हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ है, नहीं तो ये चारों अपराधी कहीं भर क्राइम कर सकते थे, किसी को हताहत कर सकते थे। इनके पास से बंदूक भी मिला है जिसमें बताया जा रहा कि एक जिंदा कारतूस जो लोडेड था ये बताया गया। जिन लोगों से लूटपाट हुई है उनका भी हम इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। क्षेत्र के पश्चिमी बिलासपुर के कटानी के पास दिनांक 29 अगस्त को रात्रि में करीब 11:30 बजे शिव कुमार एवं शहादत, ये दो व्यक्तियों के विरुद्ध जो है, दो व्यक्तियों के साथ जो है घटना किया गया था, लूट का घटना एक के बाद एक घटना एक ही घटनास्थल के पास जो है वो किया गया था। तो उसी घटना का जो है वो उसी कांड का उद्भेदन जो है वो किया गया है। तो इसमें वादी शिव कुमार पिता भगलू पासवान साकिन उलियाबाद थाना हायाघाट को पिकअप ले जाने के क्रम में अपराधकर्मी बलवंत कुमार सौरभ कुमार अभिषेक कुमार सिंह एवं सुजीत कुमार सिंह, ये चार व्यक्तियों के द्वारा पिकअप को रुकवाकर हथियार का भय दिखा करके मोबाइल तथा रुपया लूट लिया गया था। तो पहले व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 1100 रुपये एवं दूसरे व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 800 रुपये लूट लेने की घटना घटित हुई थी। तो इस संबंध में लिखित आवेदन दिया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया प्राथमिकी दर्ज करने के बाद। तो इसमें थानाध्यक्ष हायाघाट पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह के तत्परता से इस घटना का जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया है, चारों नामजद अभियुक्तों को, और इसके अलावा उनके पास से
बरामदगी में तलाशी के क्रम में उनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस एवं लूटी गई मोबाइल फ़ोन जो है, दो जो लूटा गया था, इसके अलावा जो तलाशी के क्रम में चार उनका अपना मोबाइल जो है वो बरामद किया गया। इसके अलावा जो कुल राशि बरामदगी है वो 1300 रुपये। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटना का उद्भेदन किया गया है, चार प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के अगले दिन ये लोग एक होटल में बैठ करके खाना खा रहे थे, जिनका नाम फ्रेंड जोन होटल हायाघाट है। तो इसकी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, तत्परता से तलाशी लिया गया, तो ये संपूर्ण घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। और किसी को रिमांड पर भी लिया गया सर? इसमें जो है कुल मिलाकर के चार अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो की गई है, और इन चारों को आज माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसको जेल भेजा जा रहा है। इसका जो गिरफ्तारी स्थल है वो फ्रेंड जोन होटल हायाघाट है, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। क्या ये लोग कोई ग्रोह से चल रहे थे या फिर? अभी तक तो गिरोह की बात सामने नहीं आई है, इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो कल्याणपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और इस छापेमारी टीम में पुलिस अवनिरीक्षक संजय कुमार सिंह के अलावा, थानाध्यक्ष के अलावा हरिशंकर हरिजन सहनी एवं पुवनी जीता कुमारी, PTC सुधीर कुमार एवं थाना के रिजर्व गार्ड शामिल हैं। और भी कोई इसमें और अभियुक्त की अभी तक जो है वो सम्मिलित होने की बात सामने नहीं आई है। पेट्रोलिंग को हम लोग जो है वो सुदृढ़ करने का निर्देश दिए भी हैं, लेकिन जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो घटती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जितने भी लूटकांड प्रतिबंधित हो रहे हैं अधिकांश को हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर ले रहे हैं, राशि की भी बरामदगी हो रही है, और हम लोग गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और क्या कुछ सामान्य पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन दरभंगा जिला के नगरवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं वो हम सभी लोग इसका संकल्प लें कि दरभंगा शहर को महिला के विरुद्ध जो अपराध होता है उससे मुक्त करें। यदि कोई अपराध घटित होता है तो उसका हम लोग त्वरित उद्भेदन करें और न्याय दिलाने का जो है वो काम करें। हम अपने दूसरी फैक्ट्री से आ रहे थे, रास्ते में कटिंग के पास छोटा क्या हुआ मामला आपके साथ? दिनांक 29/8/2023 हम अपने बिस्कुट फैक्ट्री 10:50 में आ रहे थे। कटिंग के पास मुझसे रोक के 20 सड़क पे गाड़ी लगाकर गाड़ी छीनने की कोशिश किया, गाड़ी में नहीं छीनने के में उठा पटक हुआ, उसके बाद पिस्टल से हमारे सर पर मारा, उसके बाद जो है सो मोबाइल और पैसा छीन लिया। कहाँ से आप आ रहे थे? बिस्कुट फैक्ट्री पर से। घटना कहाँ पर हुआ? कटिंग के पास। कटिंग मतलब जगह का नाम बोले ना, वो कटिंग है वो क्या कहते हैं? अरे क्या है, समस्तीपुर है कि दरभंगा? क्या है दरभंगा? हायाघाट नहीं है? नहीं, दरभंगा जिला हायाघाट था ना, वो बोलिए ना कि हायाघाट है। बिलासपुर। आप अकेले थे? अकेले थे। ये लोग कितना आदमी था? दो आदमी। ये लोग भी मोटरसाइकिल पे था? हाँ, मोटरसाइकिल से। इन लोगों का मकसद क्या लग रहा था आपको? गाड़ी लूट लेना। बोला भी? बोला कि गाड़ी छोड़ो। पैसा कितना था आपके पास? 1200 रुपया तक मैं ले लिया। मोबाइल ले लिया, मोबाइल थाना पर कंप्लेन करने के लिए। तो मोबाइल लोग के साथ तो माथा पर जो निशान है कैसे लगा है? बट से मारा है, पिस्टल से मारा। पिस्टल से? हाँ, पिस्टल बरामद है। हाँ, छापा मारा। आपका तो जाने बच गया जी। बहुत ही लाख लाख रुपया हो सकता है कि सर, कभी भी हमारा क्या हो सकता था? जान गोली मार देते थे तो अगला है जो, अगर से हम जाएंगे गोली भी अगला जो मारेगा तो कैसे भी से हमारा मर्डर कर सकता। कितना बजे घटना हुआ है? 10:50। ये लोग आपको मारा है जी? कौन से जगह पर मारा था? कटिंग के पास। फिर आपको गाड़ी छीन लिया था? गाड़ी यानी कि जबरदस्ती जबरन उठा बजर हुआ, गाड़ी नहीं ले पाया और भाग गया। ये लोग भाग गया जी? पैसा लेकर जी। तो फिर आप क्या किए? फिर हम आए यहाँ, सूचना दिए थाना पर। कितने बजे में आप आए इधर? हम लगभग 10:11 में पहुँचे। आप आ गए थे जी? इसके बाद हम यहाँ बताए तो कहा कि ठीक है, हम इसका प्रतिघात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहादत। शहादत। घर आपका? रजौली जी। थाना कहाँ पर खड़े हैं? कौन थाना है ये? हायाघाट। कब की घटना है ये? रात की घटना। कल रात की। कहाँ पर जा रहे थे आप? हम घर जा रहे थे। कौन गांव? पलियाबाद। आ कहाँ से रहे थे? हायाघाट से। क्या करके? काम करके क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी? पिकअप। क्या लोड करते हैं तुम? लकड़ी का कुन्नी। तो इससे पहले भी कभी हुआ था आपके साथ? नहीं। क्या हुआ है सर? हुआ क्या आपके साथ? हुआ कुछ, कहीं जा रहे थे और मतलब रोड पर रुका हुआ था। अरे आवाज़ निकालो जोर से, डरे हो? अभी भी डरे हो क्या? नहीं, तो हम जा रहे थे घर, तो हम सोचे लोकल आदमी हमको थोड़ी ना कुछ करेगा। अब रोक के अब जो ही सही गाली बक रहा है, मार उड़ बैठा, मोबाइल उबाइल ले लिया, मार उड़ के भी बोला हम घर जाने दीजिए, घर नहीं जाने दिया। गाली किसका दे रहा था? मेरा मम्मी को, हमको मारा चोट मार। हाँ, माँ बहन को गाली दे रहा था। आगे वैसे हमको घर नहीं जाने दिया, हमको सीधे भेज दिया मतलब रसलपुर के एरिया में, हमको ओलियाबाद नहीं जाने दिया।
पैसा भी लूटा कुछ? पैसा भी ले लिया, मोबाइल के साथ में पैसा था। मोबाइल कौन कंपनी का था, पैसा कितना था? पैसा वही 1100-1200 रुपया था और मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A13 था। कितना आदमी था उस समय में जब आपको? तीन आदमी। तीनों क्या बोल रहा था? तीनों मतलब एक बाइक लगा के मतलब रेडी था और एक पिस्टल लेके खड़ा था और एक आया, मेरा मोबाइल ले लिया, जो पैसा था मोबाइल के नीचे में वो भी ले लिया। उस तीनों को पहचान गए हैं? हाँ पहचान गए। वो कहाँ है तीनों अभी? अभी थाना में। कौन थाना में? हायाघाट। आपको भी बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। तो आपको मारा भी है? मारा है। तो आप बोले प्राण कैसे, क्या किया, कितना मारा आपको? इधर पिस्टन से घुमा के धर दिया एक पिस्टन। एक पिस्टन मारा? एक पिस्टन। कहाँ पर मारा? इधर सामने में, पानी से, गर्म पानी से सेके तो बच गए आप। बाप रे, तो मर्डर भी, क्या क्या लग रहा है आपको कि, अरे क्या लग रहा है, कुछ मार भी सकता था ना, क्या लग रहा है? मारने के प्लाने में था, मारने के प्लान में था। अच्छा, तो मतलब भगवान का ही बोलिए। इधर मेरे हाथ कैसे चल गया गियर पे, जो हम गियर लगा दिए, जो मतलब हम चल दिए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। पिताजी? बबलू पासवान। गाँव?